एक हार हमें एक हार कही है गिरधारी अपने कुंदन पुर से आया रुकमणी की चिट्ठी लाए। कन्हैया ने खत खोला पड़ा के पंडित इसमें तो सस्पाल का नाम दिया है। बोले हां आ गया है। तो कन्हैया बोले जब वो आ गया है तो तुम यहां काहे को आए? उस लड़की से ये कहो कि उसी के साथ जाए, मैं क्या करूंगा। कहने लगे मोहन वो लड़की चांद दे देगी लेकिन सस्पाल के साथ नहीं जाएगी। कन्हैया बोले तो जान दे देगी तो हम क्या करें। एक काम करो पंडित जी, तुम भैया से जाके मिलो और भैया से ये जाके कहना कि अब हम जा रहे हैं तब हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ रहे हैं। अब पंडित जी बलराम से फिर मिले। बोले भैया जिस उद्देश्य से हमारा आना होगा वो काम तो हमारा हो गया है, अब हमें आज्ञा दे दो हम अपने घर जाए। पंडित जी से बलराम कहते कुछ दान चाहिए पंडित जी। बोले दान नहीं, अब हमें सिर्फ आज्ञा चाहिए बस। और बोले कि अब आज्ञा हमको दे दीजिए अपने घर को जाते।
पंडित जी को विदा किया। तो जब पंडित जी को विदा किया तो ब्राह्मण जो है वो यादवों की बड़ाई करते हुए बोले, सारा कर दिया। पंडित जी द्वार में बैठ करके बहुत तेज हांफने और खांसने लगे। बलराम बोले, भैया पंडित तोला आता है अगर की शिकायतें लगवा दे क्या? कन्हैया कहने लगे, भैया बुढ़ापा है, अगर आप खाओ तो पंडित जी को हम थोड़ी दूर मतलब छोड़िए। बोले जा, लेकिन रुकना नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी जो है बैठ गए और चल दिया। कुंदन पर से पहले ही रथ खड़ा कर लिया भगवान। और एक बात पूछ लगे के पंडित जे फौजे के नहीं है। जवाब दिए सस्पाल की। इसका मतलब है सस्पाल पूरी तैयारी के साथ आया है, मैं अकेला आया हूं भाई, मैं लड़ नहीं पाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं। इस लड़की से ये कहो किसी के साथ जाए, मैं तो जा रहा हूं। कहने लगे श्याम, वो लड़की मर जाएगी लेकिन सस्पाल के साथ नहीं जाएगी। कन्हैया बोले, लड़की मर जाएगी तो क्या मैं मर जाऊं? लड़ूंगा नहीं, अकेले में अगर मिलाओगे तो लिए जाएंगे लेकिन हम लड़ नहीं पाएंगे, अकेले की बात है। हाँ, तुम ये मंदिर देख रहे हो? हाँ हाँ, इसी मंदिर पे खड़े हो जाओ और पूजा करने के बहाने से हम भेज रहे हैं और रथ में बिठाना, चले जाना। काओ, ओ, कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे है, रुक्मिणी घर पे है। अब पंडित जी घर पे पहुंचे तो रुक्मिणी भागी। पंडित जी, क्या भगवान आ गए? कितने हाथी आए हैं, कितने फौजे आई हैं, कितने लोग लेने आए हैं? पंडित जी बोले, चो मेरा हाथी घोड़ा अकेलो आओ है, सो सवा भरोसो धर्म है। अबे तक हमने देखो नहीं है तो पहली बार देखो तो सपा दाम सुनराम धरो है। अरे क्या देख लिया करैया में तूने? सस्पाल देख रहे तो सुंदर लगा। बोले पंडित जी, आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो पंडित जी सर्वपरि बोल, क्या
बोले समझ गए अकेले आए हैं मंदिर पे खड़े हैं पूजा करने के बाने जा बैठना चले जा। कहने लगी पंडित जी आपका बड़ा एहसान था जो आपका नैया लेके आए अब आप जा हम जा रहे आप जा। पंडित जी बोले हाँ मतलब नहीं करेगो ता सीधी से कह दी आप जा। रोटी रोटी खबारी कि नहीं खबारी भूख लगी बोले आज नहीं खिलाऊंगी। क्यों बात ये है ना पंडित जी कि जो भोजन तुम्हें कराए वो पंडित घर ही लगे कन्हैया कहीं इंतजार करते करते चले ना जाए तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे ब्राह्मण। इसलिए काम करो भगवान ने बंसी जोरी में डाली रुकमिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया रथ लेके चल दिए और जो रथ चलते देखो वे संग की बिटरिया भाजी गिट्टी जाए भजपी जाए पछाल खा के आगन में गिरी रुकम आ गया लगी रुकमिणी का लगी भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना बा पता नहीं कौन आ गया रुकमिणी का हाथ पकड़ा उठा के रथ में बैठा लिया ले गया तो सरी बोली ले सो ठीक ले लो हम तो जो सोचे कि मरे जा तो रखी पता ना करो कि सल रहे उन्हें ने आना काली ना करी उल कर बैठ गई चुपचाप। बोले जानते हमारी बहन को ले जाने वाला कौन है लेकिन ये बात किसी की कानो कान भनक नहीं पड़नी चाहिए हम अभी गए वो अभी घेर लिया चारों तरफ से चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले ग्वाला ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू किया तूने। भगवान बोले लड़ोगे रुको बोले हाँ तलफा तलफा के मारूंगा देख रहे बालों का कलेजा हिल जाएगा सब जाएगा दुनिया के लोग रुकमिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा अरे रस्से नीचे Thank you.
घमासाने भोगाए रूप में ओ भगवान। जब छाती पे बन बैठे हैं तो रुक्मिणी ने बीच में खड़ी होके दोनों हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरे भैया को ना मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो हमारे साथ की सहेलियां हमें जिंदगी में जीने नहीं देंगी, ताइने मारेंगी ऐसी शादी की जो भैया भी खा लिया मोहन, मेरे भैया को छोड़ दो। और बोली रथ के पीछे कस लिया, चल लिए रथ लेके। अब इधर बलराम भाग्य केश्याम, ये लड़की किसकी उठा लाए तुम? कहने लगे, भैया मेरा दोष नहीं, इसी ने खत भेजा था। क्यों ऐसा तुमने क्यों किया? जवाब दिए, भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से करा रहा था इसलिए। बलराम बोले, तेरा भैया शादी साले से? चिंता ना कर, हम तेरे भैया को ही नहीं छोड़े। पीछे देखा के मोहन, ये रस्से किसे बांध लिया? भगवान बोले, जय तो साले साहब है, वो तो बहने ही पीछे में आएगी ना, साले मसाले भरे के छोड़ दो। बोले छोड़ दो इसे। वो तुमको छोड़ दिया, भागा भागा रुकुम ससपान से जाके मिला, खबर मिली रुकमणी का हरण हो गया। भाग करके चारों तरफ से घेर लिया, कह लगा ये दूसरा कौन आ गया? जवाब भी इसका बड़ा भाई बलराम, बोले कोई बात नहीं, दोनों बहन की संग चल में दो, अच्छी लड़की को बलराम बोले श्याम, रुक्मिणी को अकेला छोड़ के लड़ने न जाना, ये ससुराल की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। हुआ ऐसा कि ससपाल यार बलराम ने फिर डट के भरी की सारी फौज नष्ट हो गई। कहा पीठ दिखा के ससपाल भाग गया, और इधर रुकुम जो है वो सर्प के कारण घर पे नहीं गया। भीष्मक ने सुना तो बड़े गुस्से में और बड़ा वेद विधान के साथ अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी कर रहे हैं, कन्हैया के साथ शादी हो रही है, औरतें गीत गा रही हैं, और गीत गाते गाते एंटीना घूम गया, गालियां देने लगी। भगवान क्षमा करें, अब पढ़े लिखे लोग हैं,
शिक्षित समाज है ता से खड़ी की गारी देती है। कथा भागवत में सुनो, काव कीर्तन बोलो तो कोई नहीं बोलती क्योंकि शर्म लगती है। और जय औरतें काव को ब्याह होए तेल ताई होए फिर देखो झटकाए लगे। इन लोगों को पता ना कभी भी ना घूम जाए 200 चैनल पकड़ ले कहां से बोलना शुरू हो जाए। और हम तो जब सोचे कि मरे जाते हैं भगवान ना के गीत लिखनवा वो कभी कौन से गांव कर रहा। परसों हमारे परिवार से बारात गई, हम गए बारात में लौटे आए तो हमारे घर में बगल में ही मकान है, रात में उसे क्या बोलते हैं वो क्या होता है खोइया बोल रहा था। मैंने उनके गीत सुने तो भाई अरे भैया गीत वे गीत ऐसे मेरे अब तक सुने ही ना। गारी देती भाई बोली कन्हैया Thank you.
Thank you.